टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या GST की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। मैंने अगस्त 2017 में GST का रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन मैंने GST नंबर को यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने GST की रिटर्न को फाइल नहीं किया। मैंने 31 अगस्त 2018 में GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर दिया है, तो क्या मेरी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी? इसके लिए आपको सेक्शन 39 को रेफर करना होगा CGST एक्ट 2017 के, जो कि यह कहता है कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है या फिर जो कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करता है, उसे अपनी GST की रिटर्न्स को हर कैलेंडर मंथ के लिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। इसी प्रकार सब सेक्शन 2 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसे अपनी GST की रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करना है। लेकिन यहाँ पर सब सेक्शन 8 दिया गया है जो कि यह कहता है कि भले ही कोई व्यक्ति किसी टैक्स पीरियड में कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करे या फिर ना करे, उसे उस टैक्स पीरियड के लिए GST की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इसके साथ ही यहाँ पे सब सेक्शन 10 भी दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि आप पिछले टैक्स पीरियड की GST की रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए अपनी GST की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार GST की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है भले ही आपने GST नंबर को यूज़ ना किया हो या फिर किसी टैक्स पीरियड में आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी ना की हो, तब भी आपको GST की रिटर्न को फाइल करना है। इसके लिए आप निल GST की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सेक्शन 29 को भी रेफर कर सकते हैं CGST 2017 के, जो कि यह कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर अपने आप से भी GST रजिस्ट्रेशन को बैक डेट से भी कैंसिल कर सकता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और लगातार 3 टैक्स पीरियड के लिए GST की रिटर्न को फाइल नहीं करता है या फिर किसी और टैक्स पेयर के केस में जो कि लगातार 6 महीने के लिए अपनी GST की रिटर्न को फाइल नहीं करता है, उस केस में भी GST ऑफिसर उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सिल की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।